टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चूहा पुल से आज दोपहर में अरबाज शेख 20 वर्षीय नाम का नौजवान युवक खाड़ी में छलांग लगा दिया। अरबाज मुमरा के ठाकुरपाड़ा ताहिरा महल इमारत का रहने वाला बताया जा रहा है। ये घटना की सूचना जैसे ही मुमरा पुलिस और दमकल कर्मियों को मिली, वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और अरबाज की तलाश खाड़ी में जारी है। हालांकि खाड़ी में पानी का बहाव काफ़ी तेज है, इसलिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अरबाज के दोस्त नैतिक ने बताया कि अरबाज उसी के साथ में ऑटो रिक्शा में बैठकर उसे घर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अरबाज ऑटो रिक्शा से उतरकर चूहा पुल की तरफ दौड़ा और खाड़ी में पुल से छलांग लगा दी। हालांकि नैतिक ने यह भी बताया कि अरबाज काफ़ी टेंशन में चल रहा था क्योंकि किसी लड़की के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था और इनमें कुछ अनबन होने की वजह से अरबाज टेंशन में हुआ और आज चूहा पुल से खाड़ी में छलांग लगा दी। हालांकि अरबाज के पिता मोइनुद्दीन शेख ने बताया कि उनके लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर था या नहीं, इसके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। अब हादसा होने के बाद इस बात की जानकारी उन्हें मिल रही है। बहरहाल आज शाम 5 बजे तक अरबाज की तलाश खाड़ी में की जा रही थी, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका था। जिस वक्त अरबाज ने खाड़ी में छलांग लगाई थी, उसके साथ नैतिक उसका दोस्त मौजूद था। इस घटना के बारे में नैतिक ने क्या कुछ बताया है और अरबाज के पिता मोइनुद्दीन शेख ने भी क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। मगर आपको बता दें, हमारे इस खबर को चलाने तक अरबाज की तलाश खाड़ी में की जा रही थी और घटनास्थल पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम भी मौजूद थी। बहरहाल इस हादसे में पुलिस जांच करेगी और जांच में ही पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या थी। क्या नाम है आपका? भाई शेखनाथ। कैसे ये हादसा हुआ, कौन लड़का था वो, कैसे हो गए? दोस्त था मेरा, अरबाज नाम था। वो थोड़ा टेंशन में था, वो उसके लड़की के चक्कर में, तो मैं उसको कल रात से घर से बाहर था, तो मैं उसको भी घर पे ही लेके जा रहा था मेरे, तो मेरे साथ में आया और चलती रिक्शा में से कूद गया, कूदा तो मैं उसके पीछे भागा भागा तब तक मैं आके वहाँ पर कूदा। अच्छा, यहाँ खाड़ी में आके? हाँ, खाड़ी। कितने बजे हुआ ये? टाइम नहीं मालूम, आज टाइम देखा नहीं मैंने, दोपहर के 1-2 घंटे। अच्छा, आप और वो अरबाज साथ में ही थे? हाँ, साथ में ही रिक्शे में, मैं उसको मेरे घर पे ले गया। रोड मेन रोड से भागते आए? रोड पे से भागते हुआ भागा वो, चलती रिक्शा में से कूदा कूदा तो फिर उसके पीछे मैं भागा, लेकिन मेरे पहुँचने तक मैं कूद गया। तो पुलिस को आपने बयान वान कुछ दिया? नहीं, अभी स्टेटमेंट बोले सर लेंगे बोल के, अभी स्टेटमेंट हुआ नहीं है। पूछे मेरे से क्या है, क्यों कूदा, तो मैं बताया, अभी वो स्टेटमेंट लेंगे बोले। क्या नाम था आपके लड़के का? अरबाज। कैसे ये घटना, कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है? कभी घर पे कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ था? कुछ भी नहीं, मालूम ही नहीं हम लोग को, बाहर अगर कुछ हुआ होगा, घर में कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, उसका एक दोस्त जो है साथ में उसके था, वो बोल रहा है किसी लड़की के वजह से वो डिप्रेशन में था, इसलिए कुछ भाग के वो कूदा है, क्या ऐसा? अब भी मालूम पड़ रहा है कि वो लड़की के साथ नहीं, वो भी मालूम नहीं था हम लोग को, अभी वो बता रहा तो मालूम है। इसके बारे में कुछ जानकारी? घर पे रहता था बराबर हमेशा? हाँ, घर पे रहता। तो आज घर से जब निकला तो कुछ बोल के निकला था आप लोगों से? रात से घर पे नहीं आया, रात से आया ही नहीं था, रात से घर पे नहीं था। कहाँ था फिर? उसी के दोस्त के साथ नहीं था, बोला मेरे साथ नहीं था। और जो उसके लड़के का कुछ मामला बताया जा रहा है, उसका दोस्त जो बता रहा है, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी? नहीं, सिर्फ मालूम है कि एक लड़की के साथ में घूमता फिरता, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था।